समाजवादी पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया अखिलेश यादव का जन्मदिन। जहां बड़ी खबर लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय से आ रही है, जहां पर आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान वहां हजारों की संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कार्यालय पर और भी कई सपाई पहुंचे। इस बीच समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे के दौरान स्टॉल लगाकर फूलों का और फलों का वितरण किया जा रहा है। इस बीच हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी से समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नितिन ने बताया कि अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में भंडारे का भी आयोजन किया गया है। नितिन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि 2024 चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से और मजबूती प्रदान करने के लिए काम लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े, जहां आपको दिखा दें किस तरह से लोग यहां पे काफी मौजूद हैं। और बात करें समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। आपको इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के निकेंद्र भाई मौजूद है, ये जानते हैं सर क्या कहना चाहिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जुलाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी का आज के जन्म दिवस को हम लोग कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश अपने देश के नौजवान युवा किसान सारे लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि जब देश में नफरत का माहौल हो, ऐसे में मात्र आशा उनकी एक ही किरण अखिलेश यादव है, जिनकी निर्भय होने की, स्वस्थ रहने की तथा देश को सही दिशा और दशा की ओर ले जाने के लिए देश का तमाम युवा नौजवान आज उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। और उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर भोजन भंडारे का आयोजन किया गया है, जहाँ तमाम गरीब किसान मजदूर लोग आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसमें सरपंच से लेकर के नीचे से लेकर सारे व्यवस्था की गई है तमाम गरीबों के लिए। और आज के दिन को लोक कल्याण दिवस के रूप में समाजवादी नौजवान मनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि देश के आने वाले समय में तमाम लोग दुआएं दे रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव रहते हुए देश को नई दिशा देने का काम करें और देश से नफरत का माहौल समाप्त हो और सच्चा समाजवाद स्थापित हो, जहाँ सबको रोजगार मिले, सबके स्वास्थ्य सबकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। स्वास्थ्य शिक्षा की तमाम व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, तमाम नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार है ना, गरीबों को स्वास्थ्य चिकित्सा मिल पा रही वह समाजवादी नौजवान सबके साथ लोक कल्याण दिवस के रूप में क्या। देखिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार मिलते रहते हैं, आज का दिन जनता और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता से मिल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर भोजन भंडारे का अपना कार्यक्रम ले रहे हैं, हम लोग दोपहर के बाद जो 12 बजे होते हैं समापन के बाद उनका पूरे देश में बनाया जा रहा है। और समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ पेड़ लगा के पूरे प्रदेश में जन्मदिन मना रहा है, भंडारा नाना प्रकार से लोग मना रहे हैं। और हम लोग संकल्प लेते हैं और बधाई भी देते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने ऐसे राजनेता धरती पे कम पैदा होते हैं, वो केवल राजनेता ही नहीं लोगों के दिलों में राज करने वाले नेता और गरीब पिछड़े शोषित वंचित आदिवासी अल्पसंख्यक सभी पे राज करने वाले नेता। हम लोग यही कहेंगे हमारे माननीय जी की उम्र 100 साल की हो और हमारे माननीय जी अब की बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि किन्नरों ने खूब आशीर्वाद दिया, पूरा भरपूर किन्नर देखे आया, इतना किन्नर आया आज सीट पे किन्नर खूब सारा नजर आया। हम लोग बहुत खुशी है कि किन्नर भी पसंद करता है माननीय जी को, ऐसी अच्छी बात है। ए न्यूज़ टुडे से निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट।